आम आदमी को सरकार ने बड़ी राहत दी है। आम आदमी को पेट्रोल भरवाने के लिए बेहद कम ब्याज पर सरकारी बैंकों से लोन दिलवाया जाएगा। लोन लेने के लिए लोगों को सिर्फ अपनी जमीन जायदाद के सारे कागज बैंक के पास गिरवी रखने होंगे। जिन लोगों के पास गिरवी रखने के लिए मकान नहीं है, वो अपनी किडनी गिरवी रखकर भी लोन ले सकते हैं। इस बारे में अधिक बातचीत के लिए हम सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता कच्ची गली के पास। कच्ची, आम आदमी को सिर्फ किडनी के बदले लोन दिया जा रहा है, ये तो वाकई अच्छी खबर है। और क्या कुछ बता सकते हैं इस योजना के बारे में? हीरा, सबसे अच्छी बात ये है कि सरकार पेट्रोल भरवाने के लिए जो लोन देगी उस पर लोगों से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो लोग सरकारी कर्ज के पैसों से पेट्रोल भरवाएंगे उन्हें अलग से 28% GST देना होगा। मतलब 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाने पर 1280 रुपए देने होंगे। इसके अलावा जिस सरकारी बैंक से कर्ज लिया है उसके मैनेजर को रोजाना घर से पिक ड्रॉप करना होगा। सरकार का कहना है कि बैंक मैनेजर को पिक ड्रॉप इसलिए करवा रहे हैं ताकि लोन लेने वालों के आत्मसम्मान को ठेस न लगे, उन्हें ये न लगे कि उन्हें कोई चीज मुफ्त में दी जा रही है। इस बीच बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर सरकार लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ साजिश कर रही है। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि आडवाणी जी के खिलाफ पिछले 4 सालों से साजिश हो रही है। 4 साल पहले जब सबको लग रहा था कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। फिर जब लोगों को लगा कि आडवाणी जी राष्ट्रपति बनेंगे तो कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया। आज जब हर किसी को लग रहा है कि सबसे पहले आडवाणी जी 100 का आंकड़ा छुएंगे, तभी पेट्रोल के दाम 90 तक पहुंच गए। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर बहुत से पेट्रोल पंप्स पर अब सिरिंज से पेट्रोल भरा जाने लगा है। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि पहले तो 50-100 रुपए तक का पेट्रोल हम आराम से भर दिया करते थे, मगर कीमतें बढ़ने के बाद 50 रुपए तक का पेट्रोल पाइप के अंदर ही रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए हमें सिरिंज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कल यूपी के दादरी में बाइक में पेट्रोल भरते वक्त गलती से सिरिंज ड्राइवर को लग गई, जिसके बाद वो बिना ब्रेक लगाए 100 ग्राम पेट्रोल में 50 किलोमीटर तक चला गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पेट्रोल पंप पर खुद को पेट्रोल का इंजेक्शन लगवाने के लिए लोगों में मारामारी मच गई, जिसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इतना ही नहीं, ज्यादा एवरेज लेने के चक्कर में कूल्हे में इंजेक्शन लेने के बजाय कुछ लोग इसे सीधा पी गए, जिसके बाद उनकी ये हालत हुई। Whoa, Anela, I she got so much stamina, I she got so much ramina. When you dance, you ain't lazy.